वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और अनोखी वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में सुनकर यकीन नहीं हुआ था। आज देखने वाले हैं डेवलप जो इंडिया हो रहा है, आगे मॉडर्न इंडिया 25 सालों में कहां तक जाएगा और कितनी डेवलपमेंट हुई है, सारी इस वीडियो में हमारे साथ देखिएगा। मेरा नाम है असद और मेरे साथ है अली रजा। तो आज की वीडियो हमें चाहिए आपका साथ, सो लेट्स स्टार्ट। ओ पच्चीस सालों में इंडिया कितना तब्दील हुआ है देखते हैं। इन 25 सालों में इंडिया कहाँ पहुंचेगा शायद आगे वाला। ये आगे का सोचते हैं ना। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस, मतलब फ्यूल की बचत। और क्या बात, 231 किलोमीटर तक ये जा सकती है इलेक्ट्रिक बस ट्रांसपोर्ट सिटी के लिए। मुंबई में शुरू होने वाली है। कितनी पोल्यूशन का बचाओ और खर्चे का बचाओ। Awesome यार, वाकई है ना। अच्छा, बीबीसी ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। ओ लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज है दुनिया का, यार कमाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख ना तू, क्या बात है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, मैनी मोर। ये होटल के दरमियान देख, स्विमिंग पूल देख। और एग्रीकल्चर सेक्टर, वाओ। ऑटो कंपोनेंट, रोड, हाईवेज, 275 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस पे किया 2019 से 2025 तक। एविएशन देख, टेलीकॉम में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मार्केट इन वर्ल्ड। क्या बात है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, डिफेंस में क्या यार, ये काम बहुत निकल गए आगे हमसे। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, ये मीडिया का तो हमें पता है कि बहुत आगे है। $2 trillion है 2032 तक हो जाएगा ये। और ये एनर्जी सेक्टर में वो सारा अपना हवाओं पे और सोलर पर कर रहे हैं, हमारे अभी वही फ्यूल पर और बिल यूनिट 50 रुपए। यार क्या कुछ है, मेरे ख्याल में कोई शोभा रह गया। ये स्मार्ट सिटीज है, ये पाम प्रोजेक्ट मुंबई समंदर में बना दिया उन्होंने, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे, न्यू एयरपोर्ट, न्यू एक्सप्रेसवे। यार क्या कुछ है, मैं तो देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि मेरे ख्याल में अब ये ना यूरोपियन कंट्रीज को टक्कर देता है तरक्की याफ्ता से। उनके मुकाबले में है अब, हब है पहले। पॉसिबल फ्यूचर एडवेंट, ये देख एनर्जी सेक्टर क्या
अभी एक का पढ़ के हैरान होने लगता हूँ, ऊपर से कुछ और आ जाता है। इकॉनमी तो बहुत ऊपर जा रही है। कोई चीज है जो इनके पास नहीं है, कुछ भी बताओ। हाँ, जीडीपी पर कैपिटल भी, कॉस्ट भी ना। मोदी ने ना अगले 25 साल दिए हैं। अगले 25 साल में इंडिया की काया पलट जानी है। हम तो अभी से देख रहे हैं कि कितना चेंज हो चुका है, लेकिन अगले 25 साल जो उसने दिए हैं कि हमारी जो युवा हैं वो 50 साल तक जब जाएंगे तो इंडिया ऐसा होगा, वाकई में मुझे तो ऐसा दिख रहा है। और ये ऐसी ही रिपोर्ट नहीं बनाएगी, हर चीज़ जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं उसने उसी को दिखाया है। और एक एक शोभा जो मैं बताना शुरू करूं तो पता नहीं हमें याद भी ना हो कौन कौन से आए थे, यकीन कर जाओ। लेकिन जो देखे हैं ना दिमाग हिल के रह गया, ऑसम थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इंडिया जो हमारा मीडिया में दिखाता था, ये इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। और वहाँ के लोग, पता नहीं वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं, ये हमें कोई लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन जो डेवलप हो रहा है ना इंडिया, वो तो ऑसम है। यकीन कर, ऐसे लगता है जैसे मैं वाकई में ना किसी यूरोप, जर्मनी या फ्रांस, इस तरह का कोई मुल्क देख रहे थे। आउटस्टैंडिंग था यार। आपको कैसा लगा लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।